गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम कैमरा कंपैरिजन लेके आ चुके हैं फ्लैगशिप डिवाइस और नॉर्मल डिवाइस के बीच। अगर फ्लैगशिप डिवाइस बोले तो एलजी विंग, और नॉर्मल डिवाइस के बारे में अगर बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A51 के बीच। आज हम कैमरा कंपैरिजन रियल में साइड बाई साइड, लो लाइट में, डे लाइट में, सभी तरह जो है फोटो शूट करके लेके आ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरी क्लियर आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी A51 जो है वो कैमरे के मामले में वो भी ज़बरदस्त डिवाइस है। अपडेट होने के बाद कैमरा भी उसका और भी अच्छा हो गया है। और गाइस, अगर LG विंग के बारे में अगर बात करें तो उसका भी कैमरा जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि गाइस वो तो फ्लैगशिप डिवाइस है, उसका तो कैमरा ज़बरदस्त होना ही चाहिए। लेकिन नॉर्मल और फ्लैगशिप डिवाइस के बीच हम इसलिए कैमरा कंपेयर कर रहे हैं कि आप लोगों को पता चले कि कौन सा कैमरा आप लोगों को देखने में अच्छा लगता है। और अगर इस दोनों डिवाइस के अगर प्राइस के बारे में अगर कंपेयर करें तो सैमसंग गैलेक्सी A51 का जो प्राइस है गाइस, वो 22,000 के अराउंड जो है उसका प्राइस है। और अगर हम LG विंग के अगर प्राइस के बारे में अगर बात करें तो उसका प्राइस जो था पहले वो 70,000 से 80,000 के अराउंड जो है उसका बॉक्स में लिखा हुआ है, तो मान लीजिए कुछ इस तरह का ही उसका प्राइस था। सो अभी जो इसका प्राइस है वो बहुत ही अमेजिंग प्राइस है, क्योंकि गाइस 30,000 के अंदर जो है आपको इतना बहुत ही अच्छा खासा स्टाइल के साथ जो है आपको ये डिवाइस मिल जाता है। सो आप अगर 8,000 लगा के आप अगर एक बहुत ही अच्छा खासा फ्लैगशिप डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो हम आपको कंसीडर करेंगे कि आप जो है वो LG विंग को ही खरीदें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके आप जो है परचेस कर सकते हैं इस डिवाइस को। लेकिन LG विंग जो है गाइस वो हल्का सा थोड़ा आपको मोटा लग सकता है डुअल डिस्प्ले होने के लिए, फिर भी मैं कहूँगा कि ये जो डिवाइस है बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें आपको जो है बहुत ही अच्छा खासा फीचर्स मिल जाता है। इसमें जो है आपको डुअल डिस्प्ले मिल जाता है एमुलेट के साथ और भी कार्ड के साथ, और एल्युमिनियम फ्रेम, फ्लैगशिप जैसा क्वालिटी सब कुछ मिल जाता है इस डिवाइस में, और 5G कनेक्टिविटी के साथ, और इसका कैमरा भी बहुत ही अच्छा खासा है। और इसका कैमरा के फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो है आपको गिम्बल के साथ जो है इसका कैमरा फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। सो गाइस, इस दोनों डिवाइस का अगर कैमरे के बारे में अगर बात करें तो LG विंग में आपको जो रियर में मिलता है ट्रिपल कैमरा, जो है मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल, सेकंड कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल, थर्ड कैमरा जो है वो गाइस 12 मेगापिक्सल कैमरा। और गाइस, अगर हम इस डिवाइस का अगर फ्रंट कैमरा के बारे में अगर बात करें तो आपको फ्रंट कैमरा जो है वो 32 मेगापिक्सल पॉपअप सेल्फी के साथ आपको जो है देखने को मिल जाएगा। और अगर सैमसंग गैलेक्सी A51 के अगर बारे में बात करें तो रियर साइड में आपको जो है क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, और इसका जो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल, और सेकंड कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल, और थर्ड कैमरा जो है वो 5 मेगापिक्सल, और फोर्थ कैमरा जो है वो भी 5 मेगापिक्सल। और सैमसंग गैलेक्सी A51 में जो है आपको 32 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को हम फटाफट से चालू करते हैं। सो गाइस, हम अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो दोनों ही फ़ोन का रियर कैमरे से।
सो सैमसंग गैलेक्सी A51 में आपको सिर्फ 4K 30 FPS का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। और गाइस LG की अगर बात करें LG विंग की, सो उसमें आपको जो है 4K 30 FPS, 4K 60 FPS, फुल HD 60 FPS, फुल HD 30 FPS में भी जो है आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा डायनामिक रेंज जो है वो चेक कर लेते हैं। सो इस दोनों का जो है डायनामिक रेंज जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर कर रहा है। तो चलिए इस दोनों का हम ऑटो फोकस चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन विनर निकल कर आता है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि LG विंग जो है वो बहुत ही फास्ट है, लेकिन सैमसंग A51 भी कम नहीं है। तो चलिए हम थोड़ा आप लोगों को दौड़ के दिखाते हैं और देखते हैं कि इस दोनों में कैमरा स्टेबिलिटी जो है वो किसका अच्छा है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही फोन का स्टेबिलिटी। सो गाइस अभी जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फ्रंट कैमरा से, सो सैमसंग गैलेक्सी A51 में आपको सिर्फ फुल HD 4K 30 FPS का भी जो है सेम रियर सिस्टम का जो है आपको फ्रंट में मिल जाएगा। और दोनों ही फोन का आपको जो है रियर सिस्टम में जो सिस्टम है वो आपको फ्रंट कैमरा में सभी सिस्टम जो है वो सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस हम थोड़ा आप लोगों को दौड़ के दिखाते हैं और देखते हैं कि इस दोनों में स्टेबिलिटी किसका अच्छा है। सो आपको जो है LG विंग में फ्रंट कैमरा में जो है आपको OIS आपको जो है देखने को मिल जाएगा, और सैमसंग गैलेक्सी A51 में जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर भी हम थोड़ा आपको दौड़ के दिखाते हैं। सो आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन का। तो चलिए हम थोड़ा डायनामिक रेंज जो है चेक करके देख लेते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी A51 जो है वो स्काई का जो कलर एक्चुअल है वो क्लियर दिखा रहा है, और LG विंग जो है वो थोड़ा